अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मायरा अमजद, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 2 का चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे और मजीद सब्सट्रैक्शन के कंसेप्ट्स को देखेंगे। व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे किस तरह से हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं विद बोरिंग। आपके सामने हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मौजूद हैं, जिसमें हम सीखेंगे किस तरह से हमने एक 3 डिजिट नंबर में से 1 डिजिट नंबर सब्सट्रैक्ट करना है, किस तरह से हमने एक 3 डिजिट नंबर में से 2 डिजिट नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है, और लास्ट में हम सीखेंगे किस तरह से हमने 3 डिजिट नंबर में से 3 डिजिट नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है। व्यूअर्स, ये सारा कंसेप्ट हम बोरो के साथ लेकर चलेंगे, किस तरह से हमने बोरो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे एक क्वेश्चन में जो जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं उनके नाम क्या हैं। व्यूअर्स, सबसे ऊपर जो हमारे पास नंबर मौजूद होता है जिसके अंदर से हमने सब्सट्रैक्ट करना होता है, वो माइन्यून कहलाता है। आपने इस चीज़ को याद रखना है कि ऊपर वाला नंबर हमारा माइन्यून कहलाता है, और जो हम नीचे लिखते हैं उसको हम सब्सट्रैहेंड कहते हैं। और जब हम इनको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हमारा जो आंसर आता है एट द एंड, वो हमारा डिफरेंस कहलाता है। व्यूअर्स, इन तीनों चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है, क्योंकि बोरो के कॉन्सेप्ट में आपको बार बार ये चीज़ें रिकॉल करनी पड़ेंगी। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, एक 3 डिजिट नंबर में से 1 डिजिट नंबर को। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे पास 260 मौजूद है। बुक के पेज नंबर 54 पर हम इसी कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ पर हम उस कॉन्सेप्ट का मेथड सीखेंगे, जिसकी मदद से हम पेज नंबर 54 पर मौजूद तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ 1 डिजिट फ्रॉम 3 डिजिट सीखते हैं। देखते हैं, हमारे पास 260 मौजूद है जो कि एक 3 डिजिट नंबर है, उसके अंदर से हमने 3 को सब्सट्रैक्ट करना है जो कि एक 1 डिजिट नंबर है। अब आप देखते हैं करने का तरीका, आप जानते हैं वंस में से वंस को सब्सट्रैक्ट करना है, टेंस में से टेंस को, और हंड्रेड्स में से हंड्रेड्स को। क्योंकि हमारे पास सब्सट्रैहेंड में सिर्फ वंस मौजूद है, इस वजह से हम अपने टेंस और हंड्रेड को एज इट इज़ उतारेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वंस में से वंस को सब्सट्रैक्ट करना। व्यूअर्स, हमारे पास वंस में 0 है, जिसके अंदर से हमने 3 को सब्सट्रैक्ट करना है। अब आप देख सकते हैं ये हमारा माइन्यून है जो कि हमारे सब्सट्रैहेंड से छोटा है। तो जब भी हमारा माइन्यून हमारे सब्सट्रैहेंड से छोटा होगा, तो हम 7 वाले डिजिट से 1 बोरो कर लेंगे। व्यूअर्स, हमारा ये 6 था जो कि अब 5 रह गया, और इसने 1 यहाँ दे दिया, तो ये ऑल टुगेदर हमारे पास 10 बन गया। ठीक है, अब आपने इस 10 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करना है। जब आप 10 में से 3 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास आंसर में 7 आ रहा है। अब आपके पास टेंस मौजूद है, और सब्सट्रैहेंड में टेंस मौजूद नहीं है, इस वजह से आप अपने माइन्यून का टेंस एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, यानी कि 5 को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। इसी तरह हंड्रेड्स की तरफ मूव करेंगे, तो 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से जब हमने 260 में से 3 को माइनस किया, तो हमारे पास 257 आंसर आ गया। व्यूअर्स, ये वो तरीका है जिससे हम 3 डिजिट नंबर में से 1 डिजिट नंबर को बोरो करके सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और पेज नंबर 54 पर मौजूद तमाम क्वेश्चंस की आपने ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। अब देखते हैं पेज नंबर 55 पर मौजूद अपने कंसेप्ट को, विच इज़ टू सब्सट्रैक्ट अ 2 डिजिट नंबर फ्रॉम अ 3 डिजिट नंबर। आपके पास 453 मौजूद है। क्वेश्चन में देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है पेज नंबर 55 पे, जिसमें हमें दिया गया है 453 में से 27 को सब्सट्रैक्ट करने के लिए। व्यूअर्स, 453 एक 3 डिजिट नंबर है, जिसमें से हमने 27 को सब्सट्रैक्ट करना है जो कि एक 2 डिजिट नंबर है। अब हम अपने उसी तरीके को फॉलो करते हैं, वंस में से वंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे, टेंस में से टेंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे, हंड्रेड्स में से हंड्रेड्स को, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है, इसलिए हमारे पास हंड्रेड्स मौजूद नहीं है। अब आप देखें कि वंस में से हमारे पास 3 में से 7 को माइनस करने का कहा गया है। ये हमारा माइन्यून है जो छोटा है,
जब ये छोटा होता है तो हम 7 बोरो कर लेते हैं, यानी कि 5 में से 1 बोरो कर लेंगे, 5 को हम 4 बना देंगे, और जब 1 इसके साथ आया तो ये 13 बन गया। अब आपने इस 13 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करना है। जब आप इसमें से 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर में 6 आ जाएगा। तो इस तरह से अब हम टेंस की तरफ मूव करेंगे, 4 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा 5 4 में कन्वर्ट हो गया था जब हमने बोरो किया था। तो अब 4 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करने से हमारे पास 2 आंसर आ रहा है। 100 में हमारे पास सिर्फ 4 मौजूद है, इसके अंदर से हमने कुछ भी सब्सट्रैक्ट नहीं करना, तो ये एज इट इज 4 नीचे उतर आएगा। तो ऑल टुगेदर आंसर हमारे पास 426 आ जाएगा। बुक के पेज पर मौजूद तमाम क्वेश्चंस की आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है और तमाम क्वेश्चंस को इसी मेथड को फॉलो करके सॉल्व करना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और देखते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ 3-digit number फ्रॉम 3-digit number। तो व्यूवर्स, पेज नंबर 56 पर हमारा कंसेप्ट है कि हमने किस तरह से एक 3-digit number में से 3-digit number को सब्सट्रैक्ट करना है। एक क्वेश्चन को देखते हैं जो कि हमने अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में से लिया है। हमारे पास 855 मौजूद है जो कि एक 3-digit number है, इसमें से हमने 376 को सब्सट्रैक्ट करना है जो कि एक दूसरा 3-digit number है। अब हमारा तरीकाकार वही रहेगा, वंस में से वंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे, टेंस में से टेंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे और हंड्रेड्स में से हंड्रेड्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे। हमने चेक करना है कि हमारा माइन्यूएंट हमारे सब्सट्रैहेंट से बड़ा है या छोटा है। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं 5-6 से छोटा है। जब आपका माइन्यूएंट छोटा है आप 7 एक बोरो कर लेंगे, यानी कि जब आपने 5 में से 1 बोरो किया था तो ये 4 रह गया था और ये 15 बन गया था। आपने 15 में से 6 को सब्सट्रैक्ट किया, ये 9 रह गया। अब आप मूव करते हैं नेक्स्ट, यानी कि टेंस में से टेंस को सब्सट्रैक्ट करने की तरफ चलते हैं। आपके पास 4 मौजूद था, अब आप देख सकते हैं कि 4 7 से छोटा है, इसलिए अब आप दोबारा से बोरो करेंगे हंड्रेड्स में से। अब आपने लेफ्ट साइड वाले डिजिट से दोबारा बोरो करेंगे, 8 था ये 7 रह गया, इसने इसको 1 बोरो कर लिया, 14 बन गया। अब आपने इस 14 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करना है। जब आपने इस 14 में से 7 को सब्सट्रैक्ट किया तो आंसर में आपके पास 7 आ गया। अब आप मूव करते हैं लेफ्ट साइड पर, हंड्रेड्स की साइड पे आपने हंड्रेड्स में से हंड्रेड्स को सब्सट्रैक्ट करना है। आपको याद होगा आपने 1 बोरो दे दिया था यहाँ पर, अब आपके पास 7 रह गया था, यानी कि आपने 7 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करना है। जब आपने 7 में से 3 को सब्सट्रैक्ट किया आंसर में आपके पास 4 आ गया। तो ऑल टुगेदर जब आपने 855 में से 376 को सब्सट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर में 479 आ गया। तो व्यूवर्स, ये है तरीका पेज नंबर 56 और पेज नंबर 57 पर मौजूद सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। व्यूवर्स, अब आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ 1-digit फ्रॉम 3-digit number, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2-digit फ्रॉम 3-digit एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ 3-digit फ्रॉम 3-digit करने का तरीका समझ आ गया होगा। आपने ये तमाम चीज़ें बोरो के कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चलना है। पेज नंबर 54, 55, 56 और 57 पर मौजूद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इन्हीं मेथड्स को फॉलो करके आपने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और अब आप सब्सट्रैक्शन के कंसेप्ट को विद बोरो लेकर चल सकते हैं। कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।